हे गाइस व्हाट्स अप। हेलो, क्या हाल चाल? सत श्री अकाल। तो मार्केट देखते हैं, गैप डाउन खुल गया। अरे चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो ये ट्विटर पे मैंने शेयर किया था, ये वाला ट्वीट कि ऑनेस्टली टुडेज फॉल वाज नॉट कन्विंसिंग इन इंडियन मार्केट। रीजन, व्हेन मार्केट फॉल्स इट शुड फॉल फास्ट एंड स्टेडी। तो यूजली जब मार्केट गिरता है तो वो तेजी से गिरता है, ठीक है, एकदम से गिरता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, ऐसे धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी कैंडल करके नहीं आता है। तो इतना कन्विंसिंग नहीं था जब फ्राइडे को मार्केट फॉल हो रहा था। स्टिल उसके बाद मैंने ये लिखा, नंदलेस फॉलो द सिस्टम इवन इफ इट गिव्स अ लॉस, इट इज अ सिस्टमैटिक लॉस। ठीक है, तो बेशक मार्केट मेरे परसेप्शन में मेरे को कैसा भी लग रहा हो, जो मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई अगर फ्राइडे को मार्केट थर्सडे से नीचे ट्रेंड करता है तो मंडे को गैप डाउन ही खुलेगा। ये जो सिस्टम बना रखा है, ये जो हम इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करके पोजीशन बाय करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ किया मैंने। नॉनदलेस आई बॉट द पोजीशन एंड टुडे आज हमें ये देखने को मिला कि आज 200 पॉइंट का गैप डाउन मिला। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया? ये पूरा पूरा जो लॉजिक है, मेरे चैनल पे जाके मंडे गैप डाउन लिखना या मंडे मंडे गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे तुम्हें पूरा लॉजिक समझा रखा है। ठीक है, या फिर इस वीडियो के अंदर जाओगे, इस वीडियो के अंदर, तो ये भी समझ आएगा कि ये वाली वीडियो देखना, तो इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मंडे की गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, और कैसे बाय करनी होती है। तो आज मार्केट नीचे आया, नाउ लेट्स सी अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो एक चीज जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 16 700 के ऊपर सपोर्ट बन रहा था, राइट। आज देखो मार्केट ऊपर लाइन आ गई है 16 800 के आसपास। तो ये चीज मैं कल बता रहा था कि या तो कैंडल नीचे आ जाएगी या एवरेज लाइन ऊपर जाएगी। एवरेज और प्राइस एक साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक साथ तो नहीं इंटरसेक्ट करते ही हैं, कहीं ना कहीं मिलते जरूर हैं। तो हो सकता है नीचे और पुल बैक आ जाए, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पॉज करे और ये लाइन दोबारा ऊपर आ जाए। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो इज कि जब मार्केट गिर रही होती है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आज 6% इंडिया विक्स ऊपर था, तो इस वॉलेटिलिटी में डेड कैट बाउंस आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे छोटा सा बाउंस आए, यहाँ पे छोटा सा बाउंस आए, ऊपर बुलिश करने के दिखाए, लेकिन जब तक वो इस लेवल के ऊपर ना जाए तब तक बुलिश मत होना। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट फॉल हो रहा होता है, इतनी वॉलेटाइल होते हैं, जो बीच बीच में बुल बनने की कोशिश करते हैं उनको किकआउट करके निकल जाता है। ठीक है, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक तो नीचे खुल गया है, तो यहाँ पे एक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट यही से एरिया के अंदर रुका है। ठीक है, तो या तो देखो बॉलिंजर बैंड को नीचे आना पड़ेगा या फिर प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा एंड ये फिर दोबारा इस रेंज के अंदर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी वेट करना है, ये बहुत ही एबनॉर्मल पोजीशन है, तो इसलिए कल के दिन एग्रेसिवली ट्रेड मत करना। ठीक है, हो सकता है कि बाउंस आ जाए, गैप फिल कर दे, बट वो फायदेमंद नहीं रहेगा। उसका रीजन मैं दिखाता हूँ। अब देखो जब पहले फॉल हो रहा था तो क्या होता था, नीचे गिरता था फिर एक बाउंस दिखा देता था, लोगों को लगता है नहीं नहीं बुलिश है, ये तो ऊपर से जस्ट यहाँ तक करेक्ट हुआ है, फिर देखो यहाँ पे लो मारा, अब यहाँ पे फिर ऊपर भागा, गैप फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट दोबारा रिवर्सल मार के एक और नया बॉटम बना, 15 600 तक गया। ठीक है, और फिर यहीं पे दोबारा बुलिश करके दिखाया। तो इसलिए ऐसे मार्केट के अंदर पोजिशनल जाना ज़्यादा बेटर है। तो ये एक लर्निंग है, जब तुम लाइव ट्रेड करोगे, ठीक है, काफ़ी टाइम तक ट्रेड करोगे, यू विल रियलाइज कि मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ कैसे लोगों को किकआउट करती है। तो ये लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो यहाँ पे आई लर्न माई लेसन कि मार्केट वॉलेटाइल कितनी रहती है। यहाँ पे देखो कितनी वॉलेटाइल थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों कितना तगड़ा मारा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिन तक लगातार गई, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एक दिन ऊपर फंस जाएगा या ऊपर ले जाएगा, बुल पोजिशन ले लो, मैं ये बता रहा हूँ मार्केट का नेचर ऐसा होता है। ठीक है, हो सकता है कल को एक कंटिन्यूम दे दे, अगर इस पॉइंट के नीचे आया है, यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो हम आराम से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें ट्रेड को और अच्छा अंदाजा लगे। तो यहाँ पे ऐसा साइडवेज डे ही था,
ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है नीचे वाले लेवल पे, तो उसके बाद हम नीचे का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक यहाँ पे, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगेगा जो हम इस चैनल पर हमेशा डिस्कस करते हैं। मार्केट में डायरेक्शन कब आता है, जब कोई भी एक SL हिट होता है, या तो बुल का या तो बियर का। तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया हुआ है वो यहाँ पे SL लगा के रखे हुए हैं, जिन्होंने सेल किया उन्होंने यहाँ पे। तो जब यहाँ पे SL हंटिंग होगी, जब यहाँ पे SL तोड़ा जाएगा, तब मार्केट ऊपर भागने लग जाएगा, राइट, और सेम नीचे साइड। तो यहाँ पे पोजिशन क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है और नीचे क्लोजिंग देता है 1-15 मिनट के कैंडल की, तो हम आराम से नीचे का पोजिशन ले सकते हैं। और आगे आने वाले दिन में ये है कि अगर ये रेंज हमें दिख रही है, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस रहा है, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे आए फिर यहाँ क्लोज दे दे फिर ऊपर आए। तो अभी हमें इस रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा, जब तक SL नहीं जाते एक पर्टिकुलर साइड का, तब तक जो भी बाउंस आए मार्केट के अंदर, ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे विक्स हाई हो रखा है, ठीक है, एंड मार्केट पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिख रही है, तो समझ जाना कि ये सिर्फ वॉलेटिलिटी है, ये बुलिश बाउंस बैक्स नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर कल आई डोंट नो, हो सकता है मार्केट नीचे कंटिन्यू कर दे, हो सकता है मार्केट फुल्ली रिकवर कर जाए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आए, इस लेवल को क्रॉस ना करे, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि वो नॉर्मल वोलेटिलिटी है, पोजीशंस काटी जा रही है, सबको ट्रैप किया जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस, ये लर्निंग जब तुम काफ़ी टाइम बिता दोगे मार्केट के अंदर, लॉस करोगे वोलेटिलिटी के अंदर, तब जाके समझ आएगी। और इसको मैंने 8 मिनट की वीडियो के अंदर ही बता दिया, 6 मिनट है वो, 7 मिनट हुए अभी तो। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज़ द लेसन फॉर टुडे, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन। इसका नोट बना लो, ठीक है, जो भी जर्नल है, इट विल हेल्प यू आउट इन दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी मार्केट। और अब इसमें दिमाग लगाओ कि ऐसी पोजीशन को आप हैंडल कैसे करोगे। अब जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए होंगे कि अगर ऐसी वोलेटिलिटी दिखाएगा मार्केट, तो अभी नई पोजीशन एग्रेसिव, और वो भी सेम वीक की बनाने का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या होगा उससे, उससे ऑप्शन अगर बाय करते हो तो वो तुम्हारा डीके हो जाएगा सारा का सारा, राइट, ऊपर नीचे होने के चक्कर में सारा का सारा प्रीमियम खा जाएगा तुम्हारा। तो थिंक वाइजली, ठीक है, इस चीज़ को सोचोगे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करता हूँ। ट्विटर पे आ जाओ, ट्विटर पे पूछ लो, वॉट एवर यू नीड जस्ट लेट मी नो। प्लस प्लस हमने व्हाट्सएप के ऊपर ना ब्रॉडकास्ट शुरू करा, जिसके अंदर हम शाम को FII की क्या नेट पोजीशन थी, बाई किया है सेल किया है, और DII का क्या था, हमने वो हम वो शेयर करते हैं, प्लस मार्केट कैप। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ट्विटर पे मेरे को अपना नंबर भेजो, आई विल एड यू ऑन द लिस्ट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।